गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में मैं लास्ट लेक्चर मिला जो लास्ट वीडियो मिला आपको उसमें मैंने डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करवाया था आपके यहाँ। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बताई थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पोल्स। म्यू क्या था? क्यू इंटू डी था आपके पास। म्यू क्या था? डाइपोल मोमेंट। क्यू इंटू डी। क्यू क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और डी क्या था? डिस्टेंस उनके बीच का, जो दो पोल बनते हैं डाइपोल, दो पोल के बीच का डिस्टेंस। ये था। अब उसके बाद में बताया था इसको डीपे में वापस जाता है। एक डीपे कितना होता है ये बताया था, 3.3 × 10⁻³० किलोमीटर, ये होता है 1 डीपे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे? जैसे आपके पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है वो किसकी तरफ ज्यादा हो गए? इज मोर अट्रैक्टेड बाई फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो एरो होता है उसकी साइड जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जो एरो का पिछला एंड है उसको काट दिया जाता थोड़ा ऐसे, जिससे ये पता लगे कि जो पिछला जो एंड है वो किसका रहता है, जो पॉजिटिव एंड है वो, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव पोल बनेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, उसको ऐसे कट कर दिया जाएगा बीच में से, और एरो हेड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। एरो हेड किसकी तरफ होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ऐसी चीजें होती है आपके पास, ठीक है। ये जैसे HF के लिए, ऐसे ही जैसे मोटर के लिए आपको पूछा जाएगा। मोटर के लिए जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो एरो हेड ऑक्सीजन की साइड पीछे से काट देंगे, ये पॉजिटिव एंड हो गया। ऐसे ही एरो हेड ऑक्सीजन की साइड पीछे से काट देंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव एंड। ये दो लोन पेयर होंगे, उनके डायरेक्शन भी ऑक्सीजन की साइड होगी आगे की तरफ, ठीक है। ऐसे इन चीजों को लिखा जाता है, ऐसे इन चीजों को लिखा जाता है, ठीक है। ये है आपके पास, तो ये था आपके पास यहां किसके लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए कैसे उसको लिखा जाएगा, ये चीज आपके पास। उसके बाद में इनका तो डाइपोल, जैसे HF का डाइपोल मोमेंट कुछ, वाटर का डाइपोल मोमेंट है कुछ, तो ऐसे ही हम डाइपोल मोमेंट करने लगेंगे किसका, बेरिलियम फ्लोराइड का। यह है बेरिलियम फ्लोराइड। अब पता है बेरिलियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन ये होगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगा। अब देखिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, फ्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, फ्लोरीन इस तरफ खींच रहा है, बीच में बेरिलियम है यहां, तो ये वही चीज होगी। एक पत्थर है, दोनों तरफ रस्से से बांध आ गया, उसको इस तरफ खींच रहे, इस तरफ खींच रहे, और एक जैसा फोर्स लग रहा है इस पत्थर के ऊपर, उस तरफ से फोर्स, इस तरफ से फोर्स, एक एक जैसा लग रहा है, तो ये कहां जाएगा, क्या इसमें कुछ चेंज होगा? नहीं। ऐसे देखिए बेरिलियम से फ्लोरीन खींच रहा है, बेरिलियम से यहां फ्लोरीन खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो बीच में एज इट इज रहेगा आपके पास, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस साइड में उस साइड में बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो होगा। तो बेरिलियम फ्लोराइड के लिए, जो कि इसके ये बॉन्ड पोलर है, बेरिलियम और फ्लोरीन का बॉन्ड, बेरिलियम और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर है, लेकिन फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो होता है, लेकिन फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो होगा। बेरिलियम फ्लोराइड हैव पोलर बॉन्ड्स, ठीक है, या बेरिलियम एंड फ्लोरीन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, बट The net dipole moment of beryllium fluoride is zero. लेकिन फिर भी उसका net dipole moment कैसा है? Zero है। क्यों है? बताया मैंने आपको। Example देके भी बताया आपको। Beryllium fluoride में fluorine electron खींच रहा है, fluorine इस तरफ electron खींच रहा है, opposite direction में खींच रहे हैं दोनों, ठीक है? तो उसी तरह से एक पत्थर को बांध दिया रस्से से, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है उसको, एक जैसा force लग रहा है, क्योंकि देखिए एक जैसा bond है, हाँ, इस तरफ bond कुछ होता, इस तरफ बॉन्ड कुछ होता तो नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता कुछ, लेकिन वो सेम बॉन्ड है दोनों तरफ, तो इसलिए सेम फोर्स लगेगा, हाँ, अलग अलग होता, यहाँ फ्लोरीन होता, वहां क्लोरीन होता, तो कुछ डाइपोल मोमेंट मिल जाता,
कार्बन एक साइड हाइड्रोजन एक साइड क्लोरीन है, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ मिल जाएगा क्योंकि अलग अलग बॉन्ड है, लेकिन दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ क्लोरीन है, दोनों तरफ फ्लोरीन, कुछ भी हो चाहे एक जैसे बॉन्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा मिलेगा? जीरो, चाहे वो बॉन्ड पोलर ही क्यों ना हो, चाहे वो बॉन्ड पोलर ही क्यों ना हो। ये है आपके पास, ऐसे ही देखेंगे आप जैसे कि बेरिलियम सॉरी बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड रखिए आप पे, अब बेरिलियम सॉरी बोरोन ट्राइफ्लोराइड है BF3, बोरोन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन। अब देखो ये फ्लोरीन की तरफ, ये फ्लोरीन की तरफ, ये फ्लोरीन की तरफ। अब देखिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये दोनों यहां ये ऐसे हैं आपके पास दोनों, और ये अकेला यहां ऐसे है, तो इसका नेट और इसका नेट दोनों में कैसे लगेगा, दोनों में एक तरफ दोनों में कैसे लगेगा, इक्वल लगेगा, इनका दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल और इसका अकेले का रिजल्टेंट डाइपोल कैसा होगा, बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे दोनों साइड में, तो इसके लिए भी नेट डाइपोल मोमेंट कैसे मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो मिलेगा आपको, म्यू इज इक्वल टू कैसे मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। नेट डाइपोल इन दोनों का इसका मतलब सिमेट्रिकल शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है जिसमें 120 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का नेट डाइपोल और उसका अकेले का डाइपोल कैसा होगा, बराबर होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसका भी नेट डाइपोल कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्या बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका भी डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, कैसा होगा, जीरो। ये करना आपको, ये करना आपको याद है, इस तरह एक काम है, जैसे देखिए CH4 है, H है, नेट डाइपोल जीरो होगा, ऐसे ही CCl4 है, नेट डाइपोल जीरो होगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो है, इसका भी क्या है, म्यू इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन C यहां मान लीजिए क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, अब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, उसका म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है इसका, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है उसका, क्योंकि ये बॉन्ड अलग है ना, ये बॉन्ड अलग है कार्बन क्लोरीन का या हाइड्रोजन के, तो कुछ बच जाएगा, सब ट्रैक होके और ऐड हो गए, कुछ बच जाएगा, तो इसलिए इसका नेट डाइपोल जीरो नहीं होगा, जबकि इनका डाइपोल जीरो है दोनों का, मीथेन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसका नहीं है, ये चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो मॉलिक्यूल जिनकी शेप सिमेट्रिकल है उनका डाइपोल मोमेंट आता है जीरो, और जिनके अनसिमेट्रिकल शेप है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। ये आपके पास रिजल्ट है, ये करना आपको। एक और इंपॉर्टेंट है आपके पास यहां, वो डिफरेंशिएट करा देता हूं, आपको समझ में आएगा, और थोड़ी सी नई चीज जो उसमें ऐड हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3, ठीक है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3, NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करिए, ठीक है। तो पहले NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर को वैसे लिख रहा हूं, एक हाइड्रोजन NF3, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 रह गए इलेक्ट्रॉन खुद के और 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, सेम देखिए ऐसे, ये एक तरफ NH3 एक तरफ NF3 है, तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था फ्लोरीन और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इसमें पोलरिटी की डायरेक्शन होगी ये नाइट्रोजन की तरफ होगा एरो हेड, जबकि यहां नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो एरो हेड होगा फ्लोरीन की साइड, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है, किसकी बजाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है उससे, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ही डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। मैंने क्या लाइन बोली, बड़े ध्यान सुना आपने, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, किसकी बजाय
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है उससे, मतलब नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बजाय, तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था NH3 से, एक केस में देखा जाए तो, मैंने जो चीज समझाई आपको उस हिसाब से। लेकिन NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है NH3 से, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, म्यू जो है ना वो ज्यादा है किसका, NH3 का NF3 से। जबकि होना क्या चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए NH3 से, लेकिन उल्टा आया। मैंने बताया उस हिसाब से NF3 का ज्यादा होना चाहिए NH3 से, लेकिन है उल्टा। तो क्या रीजन है इसका, वो रीजन मैं बता देता हूं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर कम है नाइट्रोजन फ्लोरीन से, ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर है, मतलब देखो इन तीनों के डायरेक्शन नाइट्रोजन की साइड है, तो तीनों ऐड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, उसकी भी डायरेक्शन नाइट्रोजन से ऐसे ऊपर की साइड होगी, तो द डाइपोल मोमेंट ऑफ द लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज ऐड, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐड होगा इनमें। देखो ये सब ही एक डायरेक्शन में, इनका ऐड होगा, जबकि यहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसका डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है, और नीचे वाले बॉन्ड का एक बार देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, फ्लोरीन की साइड है, तो यह क्या होगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन इज कैंसिल आउट इन केस ऑफ NF3 एंड एड्स इन केस ऑफ अमोनिया। जो डाइपोल मोमेंट है किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इन दोनों केस में, वो अमोनिया के केस में तो ऐड होगा और NF3 के केस में कैंसिल होगा, क्योंकि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये ऊपर की तरफ और नीचे वाला नीचे की तरफ ऐसे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां क्या होगा, कैंसिल आउट होगा इस केस में, और इस केस में क्या होगा, ऐड सब होगा, ऐड होगा उसमें, तो इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, NF3 से। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, समझ रहा है, फिर से सुनने चाहे वीडियो को रिवर्स करके मैंने जो बताया आपको ये चीज आपको मिलेगी, ध्यान रखना NH3 और NF3 का। एग्जाम में आ जाते हैं कई बार कि इसमें से डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, रीजन भी बताया मैंने। NF3 के केस में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, क्योंकि लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर और फ्लोरीन वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड है, यहां जो डाइपोल मोमेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वो भी नाइट्रोजन की तरफ, और लोन पेयर है वो भी नाइट्रोजन की तरफ, तो ऐड होगी यार, यहां डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का वहां कैंसिल आउट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट NF3 का कम किससे, अमोनिया से। ये चीज आपके पास, ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करना। कल आपको फजान रूल करवाएंगे हम, जो आयनिक करेक्टर कोवेलेंट करेक्टर के बारे में बताता है।